ये रज्जू अम्मा के सामने बहुत हमें लताड़ रही थी। तुम्हारा लौंडा ढीलू हो गो, तुम्हारा लौंडा कछु काम को नहीं है, स्वस्थ हो गए, स्वस्थ हो गए। अरे तुम देखियो गदर काट देंगे ससुर। का पी रहे तुम दरोगा जी? ना ना, जो तो पानी है, तो जो काली आई। हाँ, बादाम और दूध। अरे भैया इतना कष्ट काय करो, ऊपर से बादाम कटोरी भर के। अरे रज्जू अबे हमारे ऐसे दिन नहीं आ गई, तुम्हारे पति का 70 साल को बुढ़ा हो गया जो एकदम बादाम आदम ले आ रही। अरे अबे ये सब चीज की जरूरत नहीं है, आज हम धुआं काट देंगे, तूफान आ जाएगा तूफान। गलतफहमी हो रही तुम्हें दरोगा जी, तुम्हारे तूफान का ना कोई फायदा नहीं है। जैसे सावन के पहले बादल जैसे खाली भड़भड़ाते तो है, ना गरजते तो है ना बरसते तो है। आज सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, आज जो बादल गड़गड़ाएगो फिर गरजेगो और फिर बरसेगो भी, तो मैं तो आओ पहले तो आओ। अरे ते तो आओ हम का कह रहे, आज जो सावन गरजेगो बरसेगो तुम टेंशन ना लियो। नहीं ले रहे मैं, नहीं लग रहा तुम कहो तो डेमो दे दें। अरे तुम्हारा डेमो भी तुम्हारे टाइप का होगा, हवा का झोंका। आज ना होगा, आज देखो तुम गदर कट जाएगी तुम सच्ची और कमुच्ची। अरे यार आज जाके घोड़ा बिक गए, हमें लग रहा हमसे ज्यादा जाको चूरन खिलाने पड़ेगो। अरे दादा बहू चाय आज की तारीख में मिल जाएगी कि मंदिर जाके बैठ जाएं? अरे ला रहे अम्मा, थोड़ा सा सबर रख लो, टाइम लगता है एक चाय बनाने। ला दी तुम्हारी चाय, बिस्कुट, मठरी, चाय, नया वाला चाय। बाबू इतनी खातिरदारी है? हम हैं तुम्हारी अम्मा, अब बता भी दो का चाहे। कुछ नहीं अम्मा, आज हम ज्यादा ही खुश हैं। काजू बादाम वालो नुस्खा काम आ गया है। दरोगा जी, अरे दादा, अरे क्या हुआ दरोगा जी, पेट ठीक नहीं है का? जाने अजीब सी बेचैनी सी लग रही अम्मा, खट्टू खान को मन कर रहा हो बदन से टूट रहा हो। अबुआ तू लुगाइयों वाला डिलाग काय मार रहा है? नहीं है, तू हमें लग रहा हो अजीब, जो अचारा रखो का। अरे दादा खुशबू आ रही बहुत बढ़िया। रज्जू मजा आ गो अम्मा, दोनों खाने जाए हमें 2-3 डब्बा रख दियो। हाँ कर देंगे। देखो हमने तुम्हारी रज्जू कटुरिया तक मांझ के धर दी, कमाल है। अरे दादा अरे हाँ अरे भैया उल्टी आ रही है, जाको खट्टे डकार आ रहे हैं, खट्टा खाने को मन, अचार पेले जा रहो, कहीं काजू बादाम का नुस्खा
उल्टा तो ना पड़ गया। अरे तू डर क्यों रहा है ब्रो? हम तेरे दोस्त हैं, दोस्त डर मत, दोस्त हैं। मैंने तुमको कितनी बार बोला है, तू हाथ रख, हाथ रख, दोस्ती वाली चीज। तुमको क्या लगता है हम तब भी तो को देखेंगे, तेरो मजाक उड़ाएंगे? ऐसो ना है। हाँ मोंटू, अब हम बदल गए हैं। सच्ची? अरे मुच्ची ब्रो, हम बिल्कुल अच्छे से बदल गए हैं, और अब हम तेरे पापा के बालों के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। मतलब हम ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि तेरे पापा के बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं। हाँ, हम ये भी ना कहेंगे कि अगर इतने लंबे बाल हैं तो बाकी चोटी का ही ना बना लेते हैं। यार तुम लोग इतनी सब चीजें कह के भी ऐसा कर रहे हो जैसे तुम लोगों ने कुछ कहा ही नहीं है। अरे तो हमने क्यों, कब कहा? हमने सब चीजें कहाँ कही है? हमने आधी चीजें तो अपने मन में ही दबा के रखी है। हम कल यही सोच रहे थे, तेरे पापा के बारे में ही सोच रहे थे कि तेरे पापा अगर साड़ी में आएंगे तो कैसे लगेंगे। ये बात हमने तुझे नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? क्योंकि तू हमारा दोस्त है। हाँ, हम तो ये भी सोच रहे थे कि तेरे घर में लोरी कौन गाता होगा, मम्मी या फिर मम्मी जैसे दिखने वाले पापा। तुम लोग बहुत बुरे हो। बुरी को पातो है, ये दोनों है ऐसे। ओए तू जाको दोस्त ना बनेगो जी, मेरा दोस्त बनेगो ना ब्रो जी, मेरा दोस्त बनेगो। इसके पापा के लंबे बाल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें ज्यादा वाली प्रॉब्लम नहीं है, छोटे बनाने भी कर ले। ये मेरा दोस्त बनेगो, साड़ी के साथ भी थोड़े बेटर ही लगेंगे मेरे ख्याल। अरे अरे मोंटो, अरे जे लो तुम्हारी चाय और प्याज के पकौड़े। पापा कमाल है ब्रो, आज चाय अच्छी कैसे बन गई, सूरज की तैसे निकलो। कोनो जवाब ना बहू, किस सोच में डूबी है तू? एक्चुअली अम्मा, हम ना दरोगा जी के बारे में सोच रहे थे। का सुबह सुबह ने इतनी उल्टियां करी, पाव भर अचार इकट्ठे घटक गए। हमने खाने में तो ऐसा कुछ नहीं बनाओ जैसे तबीयत खराब हो जाए। क्या कारण है जो ऐसे लुल्लपुर जैसे हो गए? तूने कछुना बनाओ ना, लेकिन हमारे लाल को खाने पीने की कोनो कमी ना हैगी। अरे बाने थाने में समोसे कचौड़ी और जाने काका पे लो होगो, तो को थोड़ी बताओगो, वरना तू तो बाको खून चूस लेगी। हम चुड़ैल हैं अम्मा। चुड़ैल के मुंह पे कैसे बोले कि तू चुड़ैल हैगी? कुछ कही तुमने? ना ना, अरे हम तो ये कह रहे, तू फालतू में सोच रही है। अरे बाकी तबीयत खराब है गई है, बदहजमी आ गई है। अरे दुनिया भर के फोन करती रहती है, बाको डिस्टर्ब करती है ड्यूटी में। ऐसा करियो फोन करके बोल दो कि डॉक्टर से टेस्ट करवा ले। और तू ना हमाओ खून ना चूस, पकौड़ियों का मजा तो लेने दे। अम्मा सच में चुड़ैल है की आवाज भी बदल रही है। अम्मा हम ठीक है? अम्मा जी नमस्ते। ठीक है, टाइमिंग बड़ो खराब है गो, थोड़ी देर पहले ना आ सकते हो तो? हमाओ लाल की तबीयत थोड़ी सी ढीली आएगी, बाको टेस्ट कर ले तो। अरे अम्मा जी, मैं उसी सिलसिले में आया हूँ। मतलब? वो हप्पू सिंह जी की रिपोर्ट लाया था। रपट का भाव हमारे लाल को, ठीक तो है ना बा? हाँ हाँ अम्मा जी, कुछ दिन पहले हप्पू सिंह जी हमारे क्लिनिक पे आए थे, तो उनका ब्लड टेस्ट किया था मैंने, लेकिन वो टेस्ट मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, मुझे थोड़ा संदिग्ध लगा। मैंने कहा वापस एक बार ब्लड टेस्ट करता हूँ, फिर जब वो आई रिपोर्ट तो मुझे लगा लैब में कुछ गड़बड़ है। तूने ज्यादा प्रस्तावना करी तो तेरे नींबू निचोड़ देंगे। का है रपट में, जल्दी बक। अरे अम्मा जी, नींबू तो अब आप लोगों के निचोड़ने वाले हैं। मेरा मतलब है बात खुशी की है, मुबारक हो, आप दादी बनने वाली है। का बहू, हमने मना करी आती ना कि दसों ना चाहे। नहीं अम्मा जी, अरे अम्मा जी सुनिए ना, एक मिनट, ऐसी बात नहीं है, इस बार करिश्मा का नाम भी धर दो हमसे बिना पूछे। नहीं नहीं अम्मा जी, आप गलत समझ रही हैं, इस बार राजेश भाभी नहीं बल्कि हप्पू सिंह जी प्रेग्नेंट हुए हैं। देखो अम्मा,
डॉक्टर है। तो डॉक्टर है तो कहा उम्मा नशा करके आओ है हमारा घर ही मिलो हो तो नहीं तू ये बता हपुआ कहाँ है कहाँ है हपुआ आदमी है गो ना आदमी प्रेग्नेंट हो तो है कभी एक मिनट अम्मा जी तू हो तो होगा तेरे खानदान में अरे नहीं अम्मा जी मैंने कोई नशा अच्छा नहीं किया है दरअसल क्या है हमारे ये इंडिया में पहला केस है जर्मनी जैसे देशों में ये होता रहता है मतलब बाप माँ बन रहे हैं कहने का मतलब है कि आदमी प्रेग्नेंट हो रहे हैं देखो जर्मन में जो हो रहा हुआ गुइया के खेत में जाए जर्मन फरमन हमारे देश में तो लीची के पेड़ में चकोतरे ना लगते हैं और नींबू के पेड़ पे आम ना लगते हैं नींबू ही लगते हैं समझ गाओ आदमी बच्चों ना करता है लुगाई करती है बाकी हाँ अम्मा सही कह रही है डॉक्टर साहब हमको लगता है कहीं गलती हो गई आपसे अब देखिए आप लोग माने या ना माने सच यही है कि हप्पू सिंह जी प्रेग्नेंट है और मैंने खुद 3 बार ब्लड की जांच की है अब क्या कहें हाँ ये इंडिया में पहला केस है लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा अम्मा जी ये 3 महीने जो है ना हप्पू सिंह जी के लिए बहुत क्रिटिकल है बहुत ध्यान रखना पड़ेगा डॉक्टर साहब की खबर सुन के ना हमारी जिंदगी पूरी क्रिटिकल हो गई 3 महीना का समझ सकता हूँ भाभी जी लेकिन क्या क्या जा सकता है खैर वक्त वक्त पे हप्पू सिंह जी की जांच कराते रहिएगा और भारी वजन बिल्कुल मत उठाने दीजिएगा और बाकी आपको क्या समझा ना आपको तो खुद 9-9 बच्चे होने का एक्सपीरियंस है ये लीजिए रिपोर्ट मैं चलता हूँ मम्मी पापा ये अम्मा हमारी समझ में नहीं आ रहा कैसे कहेंगे इन्हें नास बीट ने कहीं मुंह दिखाने लायक ना छोड़ो अरे हम का कहेंगे अपनी सहेलियों से कि नास पीटे इतना अपने जोरू का लुगाई को गुलाम है गो कि जोरू को दर्द ना हो तो अपनी कोक भर ली नास पीटे ने अरे दादा अरे बता अपने डोकर को स्कूटर फेंक दो नास बीटे ने अम्मा अरे राम राम दादा अरे बड़ी थकावट लग रही कछु खिलवा दियो बहू थाल में हमें परोस दे तू हमें भकोस ले तू अम्मा कैसी अजीब बात कर रही हो जी हालत में इतने ताने देने जरूरी है का ऐसे में तो उन्हें खुश रहने की जरूरत है ना अभी बहुत खुश ज्यादा खुश को का मतलब है हम तो हमेशा खुश रहना चाहते हैं हाय भगवान अब तू जिंदगी भर पेट फुला के घूमेगा पेट फुला के मतलब दरोगा जी हमें ना तुम्हें एक खबर देनी आती तू माँ बनने वालों है हाँ अरे दादा तुमने जो फोन था तुम दोबारा नहीं 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 बेजे भाई हम नहीं तुम ना 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 तुम जब बनोगी तो साथ में तो हम बनेंगे लेकिन रज्जू असली काम तो तुम आओ असली काम भी तेरो नाम भी तेरो इनाम भी तेरो सामान भी तेरो हैं दरोगा जी तुमने ना अम्मा की बात ध्यान से सुनी नहीं जी भाई हम नहीं तुम माँ बनने वाले हो अरे सही सही बोलो यार माँ नहीं जो बोलो हम माँ तुम बाप बनने वाले हो तो बाप बनतो तो हम पूरे मोहल्ले में लड्डू बटवाते अब तो समझ नहीं आ रहा है कि तू माँ बन रहे हो तो को चार खिलाए कि नसबंदी कराए तेरी हम माँ बन रही कैसी बैकी बैकी बातें कर रही दरोगा जी तुमने ना अम्मा की बात ठीक से सुनी नहीं रपट दे जा जिज्जे देखो है? तुम पेट से हो जी भाई लल्ला हमारे भीतर नहीं तो तुम्हारे भीतर है अरे दादा अब तो सारे शहर में हल्ला होगो आपको की कोक से लल्ला होगो क्या आओ अरे क्या बकवास कर रहे हो है नहीं तो कुछ भी बोले यार हम पचा लेंगे मतलब सही कह रहे यार एक मिनट पी तो वही वाली रहे जो कल पी रहे थे 4 पैग में
मतलब एक सेकंड चोमूलाल, मतलब थाने से आते समय रास्ते में कहीं टिका तो नहीं, कोई नया ठेका खोला तुमको निचावर मिल गया हो? यार सच में कह रही, बच्चा है हमारे अंदर, पनप रहा हुए। अरे भैया ऐसा है, सुन लो, पूरी दुनिया को पता है कि औरतों के पेट में ना कोख होती है जिसमें बच्चा रहता है, पुरुषों के पेट में जगह नहीं रहती है, समझे? कैसे आ गया? अरे यार वही सब टेंशन तो हमारे दिमाग में चल रही है, लेकिन डॉक्टर ने 3 बार टेस्ट करो, 3 बार रिपोर्ट आई है, कह रहे हुए प्रेग्नेंट हो। सुनो, जैसे मैंने तुमको बताया 100% आज तक पूरी धरती में जितने भी बच्चे पैदा हुए ना, या तो स्तन पाइए या अंडे देने वाला जो भी है, वो महिलाओं के द्वारा हुआ है, समझे? टेक्निकली अगर देखा जाए, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर कौन सा एक कोख जन्म ले लिया? यही सब तो हमें दिक्कत थी, तो जो तू सोच रहा हो वही हम सोच रहे थे, लेकिन अब डॉक्टर ने कह दिया हम और हुए दिमाग खराब, तू ज्यादा अब हमारा दिमाग खराब ना कर, माने कि अभी प्रेग्नेंट है तो है। नहीं देखो चुंगलाल, डॉक्टर ने टेस्ट किया फिर भी तो और का खा गए का कछु? हाँ खा गए, हमको क्या लगता ना, 2-1 दिन पहले जो अंडा खाए थे ना, तो मेरे पेट पे तो नहीं तुम्हारे पेट में ज्यादा गर्मी मिली होगी, तो शायद उससे चूजा निकल आया होगा। हम यही गिलास फेंक के खोपड़िया पे मारेंगे, उबले भाई अंडा से सारे प्रेग्नेंट कहां से हो जाएंगे? सही यार, पगलन जैसी बातें कर रहे हो, टेंशन में सारी मजा ले रहा हूँ। हमारे नौना तो पहले से हैं। हाँ है, तुम्हें तकलीफ है का? चुंगलन, हाँ देखो अगर कुछ ऊपर वाले का करिश्मा है ऐसा, हाँ। तो हम क्या कह रहे हैं ना, देखो तुम्हारे 9 ठो पहले से ही हैं, हाँ। तो अभी 10वां मतलब क्या जरूरत है? तो हम सुनो, हम क्या बोल रहे हैं, हम और बग्गू ना देखो मतलब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, और वो भी कह रहा है उसका भी फिगर वगैरह खराब हो जाएगा, तो यहाँ तो पका पकाया माल है। भाई एक काम करो, ये तुम अब हमको वादा करो, डील करो भैया, फाइनल करो कि ये जो है ना बच्चा तुम हमें दोगे हमेशा, हम और बग्गू जो इसके माँ बाप बन के इसका पालन पोषण करेंगे। हम रज्जू से पूछ के बताएंगे। कैसे पूछ के बताओगे भैया? एक सेकंड रुको, रज्जू से क्या पूछ के बताओगे तुम? भाई से पूछेंगे ना, तुम्हें दे के नहीं दे? अच्छा तो रज्जू सुनो, तुम ही इसके माँ भी हो और तुम ही इसके बाप भी हो, समझे कि नहीं? तो तुमको डील डन, डील डन। कौन से डील की बात हो रही है? अपना हप्पू जो है ना, बाप बनने वाला है। डंडोरा पीट देना, मतलब माँ भी बनने वाला है। भगवान, मतलब रज्जू जो मुझे शाम को बता रही थी वो सच है, मजाक नहीं है? आओ, सच है। जीजू शर्म आनी चाहिए आपको। काय? ये पी रहे हो आप? तो पहली बार पी रहे क्या? अभी इनके सामने हमें मतलब तुमसे परमिशन ले हम? अरे जीजू आप प्रेग्नेंट हो, नहीं पीना चाहिए ये सब। बस पकड़ा देखो, ये है ये ऐसा ही बच्चे को जब ऐसी माँ मिलेगी ना, इतनी पैदा होने से पहले से ही ध्यान रख रही, बहुत अच्छी लड़की है यार। सुनो चोमूलाल, आज से तुम्हारा ये पीना पाना बंद, दूध में बादाम वादाम डाल के हम ला के देते हैं, वो पियो, और सुनो जल्दी से पीते ही जाके चुपचाप सो जाना, ठीक है ना? क्योंकि हमें जो है ना इंसान का बच्चा चाहिए, एकदम देवता टाइप का, कोई उल्लू का बच्चा नहीं जो रात रात भर जागता रहे और पीता रहे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ठीक है, बंद आज से। चलो चलो चलो, ये फेंक दे। अरे तो आज तो पी ले। नहीं अबे टाइम है 9 मई, घुस जाना अंदर। दरोगा जी, अरे भलैया को ब्याह होगा हुआ जी, राक्षस तुमने पैदा करे हैं सारे। नथिंग सीरियस मदर, एक्चुअली रणबीर बॉल हिटिंग फादर्स बेली एंड देन फादर इन पेन कॉलिंग आउट द टू ग्रैंडमदर्स। क्या कह रही? तुम अंग्रेजी के चक्कर में ना तुम्हारे कोई आदमी ऊपर चले जाओगे, हिंदी में बोल। इसके कहने का यो मतलब है, मतलब कि ये खेल रहे थे तो रणबीर ने बापू के पेट पे मार दिया बॉल, इसके लिए बापू को दादी और नानी साथ में याद आ गई। पेट पे मार दे? तुम ठीक है, डॉक्टर के पास ले चलेगा दरोगा जी, हम गरम गरम पानी लाके सेक दे। अरे ना ना दादा, इतनी कहीं डर रही हो? अरे पापा को पेट इतना भी ज्यादा नाजुक ना है। अरे ठीक है ठीक है, हमारा पेट बिल्कुल ठीक है, ये थे तक साइंटिस्ट सारी रिसर्च करके कह रहे जा आदमी को पेट इतना बढ़िया कैसे है। अरे दादा हो हम भी यही कह रहे थे, पेट की नहीं मतलब पेट की बात कर रहे थे, बदरक के जैसे फैल तो जा रहे हो तुम पेट। रियली मिस फीलिंग समथिंग लाइंग इन योर बोट टॉक्स,
misspelling the lie in both her talks. What happening? क्या कह रही है? अरे वो ये कह रही है कि उन्हें आपकी बातें झूठ लग रही है और आपकी बातों से ना झूठ की बू आ रही है। हमें भी यही लग रहा है। हाँ, फालतू की बातें कर रही है। हम झूठ मूठ नहीं बोलते, झूठ बोलने वालों पापी होते हो सब, हम नहीं है। अच्छा रणबीर, तुझे पता है जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो चम्मच का यूज करना पड़ता है। पापा अब सच बोलते हो या नहीं, वरना मैं आपके पेट पे फिर से ये बास्केटबॉल मारता हूँ। या तो सच बाहर आएगा या तो आपका पेट। जेस जेस, गुड आइडिया, कम ऑन, मार। 1 2 ये पागल है क्या? पेट पे नीचे प्रेग्नेंट है, पेट